इस समय हम भांडेरवन के निकट बंसीवट में विराजमान जुगल बाबा की कुटिया में हैं। बंसीवट से राधा कृष्ण युगल का बड़ा सुंदर स्थल है, जहाँ कहते हैं कि जो महाराज हुआ है वो बंसीवट पर ही हुआ है। चलहे राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। वंशीवट निकट जहाँ परम रवन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय वह वायु मंदिनी। श्रीमद राधा हित चतुरासी जी में हिज्जू महाराज ने वंशीवट को इंगित किया है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेम की स्थली है वंशीवट। जिस समय माँ यशोदा ने गोपियों की शिकायत करने पर कन्हैया को पकड़ा, तो कन्हैया ने जब अपनी सफाई दी है तो बड़े सुंदर भाव से कहा, मैया मोरी मैं नहीं माँ कन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो, चार पहर वंशी वट भटक्यो सांझ पर ये घर आयो। सबसे ज्यादा समय व्यतीत कहाँ हुआ कृष्ण का, उनके सखाओं का, वंशीवट। इसी वंशीवट में अनेकानेक लीलाएं हैं। एक लीला जो भांडेरवन से आरंभ हुई, कृष्ण और उनके सखाओं के खेलने की लीला, और खेलने खेलने में उसी समय लंबा सुर कंस ने भेजा है मारने के लिए, तो खेलते खेलते ये फिक्स कर दिया था, तय कर दिया था सीधा सखाने के जो हार जाएगा वो अपने विनर्स को कंधे पर बिठा कर, जीत जो जीतने वाले को कंधे पर बिठा करके लेके जाएगा वंशीवट तक। तो भांडेरवन से लेकर के चले सीधा सखा को स्वयं कृष्ण जो है, और प्रलम्बा सुर ने अपने कंधे पर उठाया बलराम को, तो वंशीवट में आकर के सीधा सखा को उतार दिया है कृष्ण ने। आज भी इसी वंशीवट में सीधा सखा का मंदिर विराजमान है। आज भी आप वंशीवट में आइए, वंशीवट की वृक्ष जो वट वृक्षों से कान लगाइए, सुंदर भाव से बहुत अपने को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी। जो संसार की आवाज़ सुनाई देती है, आज उस वृक्ष में से बंसी मृदंग पखावज पायल आदि की बड़ी सुंदर आवाज़ आती है, ढोलकी की आवाज़। इसी बंसी विशाल ये वन क्षेत्र है, और इस वन क्षेत्र में एक से एक सुंदर साधु जो संत जो है कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं। लगभग 40 कुटियाएँ हैं। हम इस समय विराजमान हैं, हमारे टटिया स्थान के संत हैं श्री युगलदास बाबा की कुटिया में। बड़े परम रसिक संत हैं, परम प्रेमी, पक्षियों की सेवा करते रहते दिन रात, संतों की सेवा, लता पताओं की सेवा। बाबा की कुटिया पर आने पर अपने आप आपको दिव्य वृंदावन की अनुभूति होगी। जय श्री राधे, जय जय श्री हरि। बंसीवट दिव्य स्थान, श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं यहाँ पर। श्री राधे।